अभी तक आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत सारे ई रिसोर्सेज डेवलप किए हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स देखे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ई कंटेंट अवेलेबल है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। और एज अ टीचर आज एज अ स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर जब हम बन गए हैं, तो हम जब स्टेट में जाएंगे तो जो ई कंटेंट डेवलप होंगे वो, और ई कंटेंट डेवलप होने के बाद उनको वेरीफाई करेंगे हम लोग, इवेल्युएट करेंगे कि क्या वो ई कंटेंट सही रूप से डेवलप हुआ है, उसमें कंटेंट सही है, टेक्निकली वो ठीक है, किसी तरह की उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो ये भी हमारी एक एक रोल होगा, और ये रोल हमारे एक्शन प्लान में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है कि हम एज अ स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर ई कंटेंट बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, और साथ ही ई कंटेंट जो स्टेट में बन रहा है उसको इवैल्यूएट भी करेंगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट के ऊपर आज हमारा अभी का ये सेशन है, जिसके अंदर इंदु मैम हमें गाइड करेंगी कि कैसे हम किस तरह के रिसोर्सेज को इवैल्यूएट कर सकते हैं और उनको किस तरह के हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू मैम फॉर दिस सेशन। एक्चुअली मैम का शायद इंटरनेट थोड़ा सा वो हो गया है, वीक हो गया है, तो शायद मैम ड्रॉप हो गई। मैम ज्वाइन कर रही हैं अभी। कैन यू हियर मी? यस मैम, यस वी कैन। एक्चुअली मैम ड्रॉप हो गए हैं, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। मैम अभी लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। सो बेसिकली इसके अंदर हमें ई कंटेंट को कैसे इवैल्यूएट करना है, हम उस प्रोसेस के बारे में मैम से समझेंगे। तो बस मैम जुड़ती हैं और हम ये सेशन शुरू करेंगे। अटेंडेंस लिंक टाइम पे भेज दिया जाएगा। आप ऐसे मत बोलिए एकदम शुरू में हम भेजे, या ये रैंडमली किसी भी वक्त भेजा जाता है जस्ट टू चेक योर अवेलेबिलिटी एंड प्रेजेंस इन द सेशन। तो ऐसा नहीं है कि सुबह आते ही आप अटेंडेंस लगाएंगे। जी मैम, जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है हम लोगों ने एक्शन प्लान के तौर पे, वो प्रेजेंटेशन हम लोग ग्रुप में भेज सकते हैं या कहीं अपलोड भी करना होगा उसे? वो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी, आप सभी लोगों को वो प्रेजेंटेशन मेरे साथ शेयर करना होगा यहाँ पे, सो दैट हम वो स्टेट के साथ शेयर कर सकें कि स्टेट भी जहाँ पे स्टेट का रोल है वो आपको गाइड कर सके। इसके बारे में हम अपने सेशन में पूरी डिटेल में बात करेंगे सर। थैंक यू मैम जी। A very good morning to all of you. Welcome, ma'am, and over to you. Thank you, Dr. Monica. So, I hope the participants are enjoying the workshop. And I came to know that there was some glitch yesterday in the breakout rooms. But later you could resolve it, na, Dr. Monica. जी मैम बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा 5-10 मिनट का रहा डिस्टरबेंस, फिर वी कुड रिजॉल्व। ओके, अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। यस मैम, आई होप सो। फ्रॉम आवर एंड इट लुक्स लाइक ओके। वी विल लिसन टू देयर फीडबैक इन द इवनिंग ड्यूरिंग द वैलिडेटरी सेशन। So let me project my presentation so that we can start this session right away.
I have with me Dr. Prachi, so she will be projecting my presentation and will be helping me with the session. So Dr. Prachi, please share the screen. So, yeah, so evaluation of e-content. So all these days, you were learning about the development of e-content. So apart from development of e-content as a teacher, we also use a lot of e-content, which we get from different sources. So to get the right source, it is the right resource, it is very, very important that we know how to evaluate the resource. Without evaluation of the resource, we should not use any resource mindlessly. So there is one example which is coming into my mind, and I very often pose this example in front of the people I talk to. So in the last few decades, the smart boards are very, very relevant in schools, installation of smart board. And these smart boards come with pre-installed digital content. We don't know who developed them. What was the team which developed these e-content? So in such scenario, it becomes very, very important to just look at the content which are pre-installed in such smart devices before using them, integrate them into your teaching learning plan. So the example I was posing, ek wo circle tha, jo concept padhana tha, wo tha circle, yani ki vrit. Lekin jo uske liye e-content usme tha, wo vrit nahi tha, balki wo gola tha. यानी कि स्फीयर था, ठोस जो हम आकृतियां जिन्हें हम कहते हैं. एग्जाम्पल एज ई कॉन्टेंट गोले का था, ना कि वृत्त का एग्जाम्पल था. तो इस तरीके से अगर हम गलत ई कॉन्टेंट केवल क्लास को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देंगे, तो हो सकता है क्लास में बच्चे इंगेज हों, रुचि लें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वो लर्न करेंगे वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, क्योंकि हमने सही डिजिटल कंटेंट के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया है. कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ई कंटेंट हमने प्रोक्योर किया है, या हमें कहीं से वो प्राप्त हुआ है, या हमने निर्मित किया है, क्या वास्तव में उसका सीधा संबंध उस विषय वस्तु से है, या वो कुछ और ही जो कंटेंट है उससे संबंधित है. तो ये जांचना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है. इसके अलावा जांचने की प्रक्रिया में और भी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वो आने वाली स्लाइड्स की मदद से हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे. तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव कोई कंटेंट हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जितना इम्पोर्टेंट है ये है कि वो इंगेजिंग हो और वो सही विषय वस्तु के पठन पाठन में हमारी मदद करे. जैसे अभी आप लोगों ने स्टॉप मोशन स्टूडियो का कल आपका सेशन हुआ होगा, तो आप उससे छोटे छोटे एनिमेशन बनाना सीखेंगे. तो जरूरी नहीं है वो एक प्रोफेशनल क्वालिटी के एनिमेशन आप बना पाए, लेकिन उसके माध्यम से अगर विषय वस्तु का एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी का आप कंटेंट यूज करें. बच्चों के बनाए हुए कंटेंट भी हम यूज कर सकते हैं. कंटेंट निर्माण की प्रक्रिया में हम विद्यार्थियों को भी प्रयोग का भी उपयोग कर सकते हैं. तो हम अगली स्लाइड की तरफ अब चलते हैं. बाय.
somebody has written in the chat, please speak the keywords in English. So in the presentation is already in English. So I will be bilingual, but I will, and all the keywords you will be getting in the presentations. So don't worry about that. And wherever you feel difficulty understanding, please, you can raise questions at the end of this presentation. So इस प्रेजेंटेशन में हम ये तीन बातों पे फोकस करेंगे, जिसमें पहली बात है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ई कंटेंट व्हिच नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। और ये पहली प्रेजेंटेशन में भी मैंने आपको वैरायटी ऑफ ई कंटेंट बताया था, तो इसमें हम दोबारा से उसको रीट्रिएट करेंगे, दोबारा उस पर चर्चा करेंगे फाइल फॉर्मेट के को ध्यान में रखते हुए। दूसरा जो बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे, व्हाई दीज ई कंटेंट नीड टू बी इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएशन की आवश्यकता हमें क्यों है। तीसरा हाउ दे शुड बी इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएशन का तरीका क्या है, मेथड क्या है, किस तरह से हम कंटेंट को इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला बिंदु जिस पे हमें चर्चा करनी थी वो है जो ई कंटेंट है वो उसके प्रकार क्या हैं, क्या फॉर्म्स हैं ई कंटेंट के जिन्हें हमें इवैल्यूएट करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि विजुअल ई कंटेंट होते हैं जिसमें इमेजेस एंड ग्राफिक हैं, टेक्स्ट है, अगर वो डिजिटल फॉर्मेट में हमें टेक्स्ट उपलब्ध है तो वो भी डिजिटल ई कंटेंट है या डिजिटल कंटेंट है। इसके बाद रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस भी कई बार होते हैं, कई बार हम कुछ टूल्स और उसकी मदद से भी पठन पाठन करते हैं तो वो भी एक तरीके के रिसोर्स हैं। गेम्स हैं, ई जर्नल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो सिमुलेशंस, इंटरैक्टिव्स, ई बुक्स, इमर्सिव कॉन्टेंट जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट, इसका एग्जांपल हमने आपको ऑलरेडी दिया था वर्चुअल रियलिटी कंटेंट, और एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स। सो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ई कंटेंट जिन्हें हमें इवैल्यूएट करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब क्यों हमें जरूरत है ई कंटेंट के इवैल्यूएशन की, तो क्या क्या चीजों का असेसमेंट हमें करना है फॉर द असेसमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। वो कंटेंट रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए। ये चैट में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, व्हाट आर एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, आई कैन सी द क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन हम देखते हैं, बीच में ले लेंगे नहीं तो एंड में ले लेंगे एक बार चैट बॉक्स देख के। अभी मैं बता देती हूँ एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स क्या है, क्योंकि मेरी नजर क्वेश्चन पे पड़ गई है, वो फ्लैश हो रहा था आपके चैट में। जो हमारे दीक्षा के ऊपर किताबें हैं, जो क्यूआर कोड है, चैप्टर वाइज क्यूआर कोड है एनसीईआरटी की पुस्तकों में, और राज्य की पुस्तकों में भी, राज्यों की पुस्तकों में भी क्यूआर कोड है। वो जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से हम चैप्टर बेस्ड ई कंटेंट लिंक करते हैं, और क्यूआर स्कैन करने के बाद वो हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है जिसमें जो वैरायटी ऑफ कंटेंट उस क्यूआर के साथ लिंक किया है वो लिस्ट हमें मिलती है, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो कंटेंट चैप्टर पर आधारित प्ले हो जाता है। तो एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हम इन्हीं पुस्तकों को कहते हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में और दीक्षा के संदर्भ में, जो QR कोडेड है और जिनसे कंटेंट लिंक्ड है। और ये फिजिकल का भी एग्जांपल है, फिजिकल प्लस डिजिटल इसमें कंबाइंड है। किताब में QR कोड है, फिजिकल बुक में, डिजिटल में भी है, फिजिकल में भी है, आप जो यूज करना चाहे वो हम कर सकते हैं। फिजिकल बुक को अगर हम स्कैन करेंगे स्कैनर ऐप से के QR को, तो उससे ड्रॉप डाउन में आपको कॉन्टेंट मिलेगा और वो फिर आपके मोबाइल में प्ले होगा। सो दीज फिजिकल बुक्स आर कॉल्ड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स, और इनका डिजिटल फॉर्मेट को भी हम एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ऑग्यूमेंटेड रियालिटी,
जिन टेक्स्ट बुक्स में इंटीग्रेटेड है, जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकों में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, शायद जो आपका ब्रेकआउट रूम्स में सेशन हुए होंगे उसमें साइंस की किताबों का एग्जांपल आपको डॉक्टर यश ने दिया होगा, जिन्होंने साइंस का सेशन लिया होगा, तो उसमें भी जिन कॉन्सेप्ट में 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत है, उन इमेजेस को जो ऑलरेडी किताबों में इमेजेस हैं उनको जब हम AR स्कैनर ऐप से स्कैन करते हैं तो वो 3D विजुअलाइजेशन हम उनका कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको 3D विजुअलाइजेशन के बिना बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो उनको अगर हम किसी प्रकार के डिजिटल इंटीग्रेशन से एनर्जाइज करते हैं तो उन्हें हम एनर्जाइज टेक्स्ट बुक करते कहते हैं, जो AR भी हो सकता है और जो QR कोड से लिंक्ड अगर उसमें ई कंटेंट है तो वो भी हो सकता है टू एनर्जाइज दी बुक। तो हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की बात कर रहे थे कि हम ई कंटेंट का इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो कंटेंट हम प्रयोग कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए रिलायबल और वैलिड है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि सर्कल का कॉन्सेप्ट है बट दी स्मार्ट बोर्ड में जो कंटेंट उसके साथ प्रीलोडेड है दैट वाज ऑफ स्फीयर, सो दैट कंटेंट वाज नॉट रिलायबल एंड वैलिड फॉर टीचिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। इसके अलावा अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए एज पर दी नेचर ऑफ कंटेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले जो दो दूसरे तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो भी कंटेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस तरीके से कि मान लीजिए पाठ्य पुस्तक में दो बातें इसमें हैं, जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसमें उसका जो वेटेज है केवल 2 नंबर का है मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट का, लेकिन हमने उसके लिए कोई ऐसा कंटेंट बनाना चयन किया है जो कि बहुत ही ज्यादा कि वो कॉन्सेप्ट किसी और माध्यम से पढ़ाया जा सकता है या चॉकबोर्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी किया जा सकता है, चॉक एंड बोर्ड की मदद से या एक इमेज कंटेंट की मदद से, लेकिन हमने उसमें चयन किया है कि हम वर्चुअल रियलिटी या ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जैसा कंटेंट बनाएं जो कि एक कॉस्टली कंटेंट है, हालांकि कॉन्सेप्ट को सूटेबली हम किसी और तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस फिर नहीं हुई और ना ही उसकी मदद से हम कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे SRG की ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी कंटेंट बनाया था एंड दे वर वेरी प्राउड अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट दे क्रिएटेड, लेकिन वो कंटेंट क्या था, इट वाज फॉर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर और कंटेंट में था कि दो बच्चे हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में हैं और वो बैठे हुए हैं और उनके हथेली पर 2 कार्टून एक अजीब से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी का कंटेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस कंटेंट के साथ जहां बच्चे दो बच्चों की हथेली पर खड़े होके 2 कार्टून कैरेक्टर्स इंग्लिश ग्रामर के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो बच्चों को वो अट्रैक्टिव लग सकता है, बच्चों को उनका वॉइस मॉड्यूलेशन सुन के हंसी आ सकती है, लेकिन वो जो पेरिफेरल एस्पेक्ट हैं उस कंटेंट के बच्चे उससे ज्यादा उलझ के रह जाएंगे बजाय कि वो
कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के, इंग्लिश ग्रामर जैसा जैसा विषय एक शिक्षक बच्चों के साथ डायरेक्टली बातचीत करके ब्लैक बोर्ड की मदद से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंटेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ यूजिंग देम। हमें देखना चाहिए क्या वास्तव में वहां किसी प्रकार के डिजिटल कंटेंट की आवश्यकता है या नहीं, और तभी हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी ध्यान रख पाएंगे। चौथा बिंदु है ई कंटेंट इवैल्यूएशन का, हमें ये भी देखना होगा कि जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड प्रोप्राइटरी कंटेंट तो हम नहीं यूज कर रहे हैं बिना अनुमति के, और लाइसेंसिंग के ऊपर आपका सेशन एक ऑलरेडी हो चुका है तो इस पे मुझे बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा कंटेंट आपको पता चलेगा जो आपने फ्री एंड ओपन सोर्स रिपोजिटरीज हैं उनसे डाउनलोड किया होगा, लेकिन उस कंटेंट के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे क्लिपिंग हो सकते हैं जो प्रोप्राइटरी हो सकते हैं, जिनकी मदद से वो कंटेंट बनाया गया होगा। ये नहीं कि एज ए होल वो कंटेंट फ्री एंड ओपन सोर्स है, अगर उसके अंदर कहीं हमने कोई प्रोप्राइटरी क्लिप या कोई डायग्राम या चार्ट इस्तेमाल किया है तब वो भी जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और लाइसेंसिंग पॉलिसी के खिलाफ होगा। तो हमें ये भी देखना हमारे लिए आवश्यक है कि हमने वो लाइसेंसेस का भी ध्यान रखा है या नहीं रखा है। तो इवैल्यूएशन में हमें लाइसेंसेस इवैल्यूएट करने, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है ये बनाने से पहले भी, और अगर हम परचेज कर रहे हैं कॉन्टेंट तो उसके लिए भी। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की हमने बात कर ही लिए है। फिर है अप्रोप्रिएटनेस एज पर द नेचर ऑफ कंटेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। इसमें हमें ये देखना है कि जब भी हम कोई भी विषय पढ़ाएं, चाहे वो साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेजेस हैं या सोशल साइंसेस हैं, जो भी विषय है उसमें हम कई प्रकार के नेचर ऑफ कंटेंट से हमारा सामना होता है। जैसे कुछ कंटेंट का नेचर होता है या प्रकृति होती है कि वो फैक्चुअल होते हैं, यानी कि तथ्यात्मक। ब्रॉडली चार तरह के कंटेंट होते हैं, फैक्चुअल जो तथ्यगत कंटेंट होते हैं जिसमें फैक्ट्स के बारे में बातचीत करी हुई होती है। दूसरे जो प्रकार के कंटेंट है वो कॉन्सेप्चुअल, जिस पर हम किसी जिसमें कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तीसरा प्रोसीजरल, जिसमें कि कुछ कुछ प्रोसेसेस या प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की गई होती है, यानी कि कुछ प्रक्रियाओं को समझने समझाने के लिए वो कंटेंट होते हैं। और एक चौथा जो प्रकार है वो मेटा कॉग्निटिव होता है, जिसको हमें हमारे भाव के स्तर पर समझना, यानी कि भावनात्मक स्तर पर हमें उनको समझना, जिसके लिए कि हमें अपने और सेंसेस का भी प्रयोग करना है, वो नेचर ऑफ कंटेंट होता है। जैसे भाषाओं विषय में इस तरह के कंटेंट बहुत होते हैं, या वैल्यू एजुकेशन के लिए उस प्रकार के कंटेंट का इस्तेमाल होता है, जिसको हम नेचर में मेटाकॉग्निटिव कंटेंट कहते हैं। फैक्चुअल का एग्जाम्पल है जैसे राज्य और राजधानियां हैं, वो एक फैक्ट है कि भारत में 36 स्टेट्स एंड यूटीज हैं, इट्स अ फैक्ट। उनके नाम क्या हैं, वो फैक्ट है। उनके कैपिटल सिटीज क्या हैं, ये फैक्ट है। इसके लिए कोई हमें ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट या इंटरैक्टिव कंटेंट वो बनाने की जरूरत नहीं है, एक मानचित्र इसके लिए काफी है। पॉलिटिकल डिजिटल पॉलिटिकल मैप इसके लिए काफी है, क्योंकि उसमें एक नक्शे के अंदर सभी राज्य राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश हम दिखा सकते हैं। तो फैक्चुअल कंटेंट, इस प्रकार के फैक्चुअल कंटेंट के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया, मैप काफी है। कई बार कोई हमें फैक्ट्स की लिस्ट देनी है, उसके लिए एक पीपीटी काफी है। जैसे ये मैं आपको बता रही हूं, तो इसमें एक पीपीटी में ये सारे तरह के कारणों को बताने का एक लिस्ट काफी है।
तो इस तरीके से हमें देखना है कि फैक्चुअल कंटेंट है और फैक्चुअल कंटेंट के लिए हमें क्या ई कंटेंट का प्रयोग करना है। फैक्चुअल के बाद आ जाता है कॉन्सेप्चुअल, कि जहां हम कुछ कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा की गई होती है, जहां पे जैसे कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज स्फेरिकल, ये एक कॉन्सेप्ट है, फैक्ट भी है, बट जब हम इसको समझाएं बच्चों को तो ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि फैक्ट को बच्चे बिना एग्जाम्पल के या बिना कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के फैक्ट को एक्सेप्ट करना, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हमें अर्थ फ्लैट दिखती है ना कि स्फेरिकल बच्चों को। तो ये फैक्ट तो है ही, एक कॉन्सेप्ट भी है, और उस फैक्ट को ग्रहण बच्चे तभी करेंगे जब कॉन्सेप्चुअली उस चीज को वो समझ लेंगे। तो इसके लिए अगर हम बच्चों को केवल वर्बली या ब्लैक बोर्ड पे बना के बताएंगे इसको, तो वो बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह से जो ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, तो उन चीजों के लिए भी हमें एक विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। हम ग्लोब का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्लोब भी शायद उतने उससे भी ये समझ पाना, ग्रहण कर पाना दिक्कत होता है। तो इसके लिए सिमुलेशंस जो होते हैं, वो सिमुलेशन आवश्यक है, जो रियल टू नियर टू रियल इमेज उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बता पाए। यही सोलर सिस्टम के बारे में भी ट्रू है, और अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, इसको बताने के लिए भी 3D सिमुलेशंस अगर हम बच्चों को दिखाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। तो फैक्चुअल हमने कंटेंट की बात की, नेचर ऑफ कंटेंट में हमने कॉन्सेप्चुअल कंटेंट की बात की। इसके अलावा प्रोसीजरल कंटेंट है तीसरा, जिसमें कुछ प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की गई होती है। जब मैंने पहला अपना सेशन दिया था तो उसमें मैंने आपको वॉटरफॉल फॉर्मेशन के बारे में एक एग्जाम्पल दिया था। तो वॉटरफॉल फॉर्मेशन या जितनी भी लैंड फॉर्म फॉर्मेशन है, वो क्या है, प्रक्रियाएं हैं, दे आर प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस को के लिए हमें किस तरह का ई कंटेंट का प्रयोग करना है, क्या अप्रोप्रिएट होगा, इवैल्यूएशन के दौरान हमें ये भी समझना आवश्यक है। इसी तरह से मैंने तब एग्जांपल भी दिया था और आपको कुछ सिमुलेशन वाले कंटेंट भी दिखाए थे, जिसमें एक मोबाइल ऐप के बारे में आपको बताया था, और उसमें पाचन तंत्र, जो पाचन एक प्रक्रिया है, उसको समझाने के लिए वो कंटेंट था। श्वसन तंत्र, जो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, उसके लिए वो कंटेंट थे। तो ये प्रोसीजरल कंटेंट है। इसके अलावा मेटाकॉग्निटिव कंटेंट, जिसको हमें भावनात्मक स्तर पर जिस कंटेंट को समझने की आवश्यकता होती है। अब प्राची दी अदर पेयर है क्या आपके लैपटॉप पे, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो का प्रयोग करेंगे। पहले मैं दो और बातों पे चर्चा कर लूं, जो तीन है। फिर हमें देखना है कि जिस तरह से हर बच्चे का एक लर्निंग स्टाइल होता है, कि कोई बच्चे देख के अच्छा सीखते हैं, जो विजुअल लर्नर हैं, ऑडिटरी लर्नर है जो सुन के अच्छा सीखते हैं, काइनेस्थेटिक हैं जो अपने हाथों से करके कोई चीज अच्छा सीख, एक टीचिंग का भी तरीके अलग अलग होते हैं, कि टीचर्स का एक पढ़ाने का स्टाइल भी हमारा अलग अलग होता है, और बहुत सारे मेथोडोलॉजीज भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए हम अपने शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सीखते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को बेटर कौन से मेथड से पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, और वो चयन करने के लिए जो मैंने मेथड चूज किया है उसके लिए मुझे क्या ई कंटेंट चाहिए। जैसे फैक्चुअल कंटेंट के लिए या तो आप ब्लैक बोर्ड का चयन कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, लेकिन हम माइंड मैप का या मैप का चयन भी कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को अनफोल्ड करने के लिए
या तो ब्लैक बोर्ड पे भी आप एक कॉन्सेप्ट मैप का चयन कर निर्माण कर सकते हैं, या आप एक डिजिटल माइंड मैप का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि हम किस प्रकार के मेथोडोलॉजी का प्रयोग वहां करना चाहते हैं और कब हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। प्री लेसन कर रहे हैं हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग, मिड लेसन करना है या पोस्ट लेसन करना है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर के लिए हमें ये देखना है कि बच्चों का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे वाटरफॉल फॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल था, अगर हिली एरिया में जहां रोजमर्रा के जीवन में बच्चे वाटरफॉल देखते हैं, तो उनके लिए इस कंसेप्ट को ग्रास्प करना किसी भी ज्यादा आसान होगा, बजाय कि उन बच्चों के जिनके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के लैंडफॉर्म्स नहीं है। तो उनके लिए हमें डिजिटल कंटेंट एनिमेशंस का प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन जिनके कॉन्टेक्स्ट में वो चीज है और वो देखते हैं, तो दे कैन विजुअलाइज दैट। और इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट में और चीजें आ जाती हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हमें उपलब्ध हैं, उस हिसाब से ही हमें टेक्नोलॉजी या ई कॉन्टेंट का चयन करना है। स्मार्ट बोर्ड है या कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या टैबलेट्स हैं, या इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से चयन करें जो हमारे एड्स हैं, जो हमारी लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि घर में मोबाइल डिवाइस तो होगी ही और बच्चे उस कंटेंट को देख के आए और फिर हम चर्चा कर सकते हैं। तो फ्लिप्ड मेथड का इस्तेमाल करते हुए और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए तब हम ये चयन कर सकते हैं कि क्या कंटेंट मैं चुनूं और बच्चों के साथ शेयर करूं। तो ये अवेलेबल टेक्नोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर, इस तरह से हमने इसमें कवर कर लिया। इसके बाद एक मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, वो मैंने मेटा कॉग्निटिव नेचर ऑफ कॉन्टेंट की बात की थी। किसी ने बी आर रवि रोशन कुमार, इन्होंने लिखा है कि वी कैन क्रिएट इवैल्यूएशन टूल फॉर फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, इवैल्यूएशन टूल, बहुत बढ़िया आपने बात कही। पहले ही आपने इस विषय में एक कंसर्न रेज किया। So we already have e-content evaluation tool, and towards the end of my presentation, I will be discussing the e-content evaluation tool also with you, which are developed by NCERT, and e-content development guidelines are also there. So thank you for raising this. Yeah. तो तब तक अगर आपके कुछ सवाल हैं, चैट बॉक्स में मैं देख चुकी हूँ, चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ऑडियो भी शेयर कर लेना। ई जर्नल्स के बारे में किस पूछा है दीपक जी ने।
जो हम इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करते हैं जर्नल, जैसे एनसीईआरटी का जर्नल है, आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो वो वहां पब्लिश्ड है, तो वो ई जर्नल है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से उनको पब्लिश किया है डिजिटली, तो वो ई जर्नल्स होते हैं। यानी कि जैसे मैगजीन्स होती हैं, बुक्स होते हैं, तो यहाँ हम जर्नल की बात कर रहे हैं जिसमें रिसर्च पेपर और इस तरह की चीजें पब्लिश्ड होती हैं, तो दीज आर ई जर्नल्स इफ दे आर पब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सो कैन द इवैल्यूएशन टूल मेक एन एरर ऑफ एनी टाइप, किसी ने लिखा है, अच्छा कि रवि जी ने लिखा है कि वो एक ई मैगजीन प्रकाशित कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तो यू आर ऑल फुल आर इनटू इट। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स कैसे यूज करना है मैंने बता ही दिया कि फिजिकल बुक में ई कंटेंट है तो ये क्यूआर कोड है, तो यू हैव टू स्कैन द क्यूआर बाय योर मोबाइल थ्रू एन स्कैनर, थ्रू अ स्कैनर ऐप, और उससे फिर आपको जो उससे लिंक्ड डिजिटल कंटेंट है यू कैन वॉच दैट डिजिटल कंटेंट इन योर मोबाइल डिवाइस। ये इवैल्यूएशन टूल के बारे में चर्चा करेंगे, तब आपके प्रश्न पर हम विस्तार से बात करेंगे। Francisco has asked a question about the evaluation tool, so we will discuss it while discussing the evaluation tool. So let us watch the video. Thank you.
तो ये एक इजिप्शियन शॉर्ट फिल्म का एग्जाम्पल था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है. और अगर आप इसका इवैल्यूएशन करें या इसके ऊपर चर्चा करें तो ये बहुत प्रकार की लर्निंग की तरफ हमें ले जा सकते हैं. इसके स्लाइड यही है इसके बाद इसको दिखा के अगर हम चर्चा करें तो एन नंबर ऑफ लर्निंग कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ दिस फिल्म व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स व्हाट दिस मूवी कम्युनिकेट्स. और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि दो फ्रेजेस के अलावा और कोई डायलॉग है ही नहीं इसमें पूरी मूवी में. सो ये एक डिजिटल मीडियम की का इम्पैक्ट है, पावर है कि किस तरीके से डिजिटल मीडियम के माध्यम से हम बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ कह सकते हैं और उस पर चर्चा करके एन नंबर ऑफ लर्निंग की तरफ वो हमें ले जा सकता है. तो ये नेचर ऑफ कंटेंट को ध्यान में रखते हुए हमें चयन करना है कि उसके ऊपर हमें भाषण देना है या हमें कोई एक डिजिटल कंटेंट जो 3 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का हो सकता है, उसके माध्यम से हम वॉल्यूम्स किसी भी चीज के बारे में कन्वे कर सकते हैं. तो हम चर्चा करें, पहले पिछली स्लाइड पे जाना एक बार. तो इस स्लाइड की मदद से हमने बात की कि क्यों हमें ई कंटेंट इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, किस चीज का असेसमेंट करते हैं हम, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का, अप्रोप्रिएटनेस एज पर द नेचर ऑफ कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर और अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और उसके लाइसेंसेस को ध्यान में रखते हुए. नेक्स्ट स्लाइड. अब प्रोसेस क्या है ई कंटेंट इवैल्यूएशन क्या का क्या मेथड है. तो हमें कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ई कंटेंट इवैल्यूएशन करना है. तो वो क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं? क्वालिटी पैरामीटर्स में एक तो टारगेट ऑडियंस को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है और उनके लिए ये कंटेंट सूटेबल है या नहीं, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन सी भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उनके बारे में वो किस तरह के कॉन्टेक्स्ट या डेमोग्राफी में वो लोग रहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट का भी हमें उनका ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, और उनका एबिलिटीज क्या है और सोशल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो क्या है. तो ये कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमें टारगेट ऑडियंस के बारे में जज करना है कि ये हमारे टारगेट ऑडियंस है और किस तरह से हमें इनको ध्यान में रखना है. मुझे लग रहा है अभी तक हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वो मूवी के इम्पैक्ट में है. मुझे लगता है ये लास्ट में दिखाना चाहिए था. तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखना एक बार चैट बॉक्स में. आई एम ऑल्सो लुकिंग एट इट. जिज्ञासा पत्रिका का लिंक दे दिया है रवि जी ने, आप सब उसको इस लिंक से प्राप्त कर सकते हैं. एक क्यूआर कोड के बारे में है, ये इस सेशन के दायरे में नहीं आता है कि कैसे जनरेट करें, इसके लिए पूरा एक सेशन की आवश्यकता है. और हमने एक नीड असेसमेंट के लिए स्टेट्स को भेजा भी था कि अगर क्यूआर जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो हम एक कार्यशाला के माध्यम से 1 घंटे की वो कर सकते हैं. डॉक्टर रिजाउल का सेशन होना है या हो चुका है, शायद आज सेशन है, तो वो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देंगे. लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं वास्तव में तो हम एक अलग से कार्यशाला में सिखा सकते हैं क्यूआर जनरेट करना. वीडियो लिंक का पूछ रहा है, वीडियो लिंक भेज देंगे. इस मूवी का नाम है दी अदर पेयर और ये इजिप्शियन फिल्म है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी दी अदर पेयर. अदर पेयर मैंने बता दिया. शिखा जी ने पूछा है नाम है इसका.
ये कॉपीराइट के लिए किसी ने पूछा है, अगर वो पब्लिक डोमेन में कोई भी ई कंटेंट उपलब्ध है, जैसे कि ये यूट्यूब वीडियो उपलब्ध है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। YouTube पे अगर किसी ने पब्लिश किया, हम उसका कोई कॉमर्शियल यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्ले कर रहे हैं अपने इसमें, तो कॉपीराइट इश्यू तब आएगा जब हम उससे किसी तरीके का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन के किसी वीडियो को इफ वी आर प्लेइंग, सो कॉपीराइट इश्यू इसमें नहीं है। अवधेश जी का ये सवाल था, ठीक है। वापस से हम अपने प्रेजेंटेशन पर आते हैं। हम मेथड की बात कर रहे थे, तो इसमें टारगेट ऑडियंस का ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें देखना है जो कंटेंट प्रेजेंट किया गया है किसी भी ई कंटेंट में, मान लीजिए कोई वीडियो है, उसमें एक्यूरेसी का हमें ध्यान रखना है कि कंटेंट एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, कंटेंट कवरेज ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर रहा है, अपडेटेड है, करिकुलम के साथ अलाइंड है, और इस तरह की डिफिकल्टी लेवल जो है वो डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कई क्लासेस में रन करते हैं इजी टू कॉम्प्लेक्स के मैनर में, तो उससे रिलेटेड जो ई कंटेंट है वो मैच करना चाहिए उस लेवल के डिफिकल्टी लेवल से, जिस लेवल पे वो कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा रहे हैं, तो ई कंटेंट भी उसके डिफिकल्टी लेवल से मैच करना चाहिए। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट 12वीं में भी है एंड 8वीं में भी है, तो डिजिटल कंटेंट जो हम चयन करेंगे 8th के लिए वी विल चूज अ डिफरेंट कंटेंट एंड फॉर क्लास 12th वी विल चूज डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। इसके अलावा पेडागोजिकल कंसर्न हमें ध्यान में रखने की ऑब्जेक्टिव से वो मैच कर रहा है या नहीं, उसका डिलीवरी मेथड क्या होगा, और हमें मीडिया सिलेक्शन क्या करना है, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स, कौन सा मीडिया सिलेक्ट करना है, AR, VR, वीडियो, ऑडियो, इंटरैक्टिव, असेसमेंट कंटेंट क्या करना है। और इसके अलावा वो फ्री फ्रॉम बायसेस भी होना चाहिए, किसी तरीके के जेंडर, कास्ट, क्रीड, ग्रुप से रिलेटेड बायसेस उसमें नहीं होने चाहिए। लोकल नीड के हिसाब से वो कंटेंट कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, जो हमने पिछली स्लाइड में भी चर्चा की थी। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे भारत एक ज्योग्राफिकली भी बहुत डाइवर्स कंट्री है, सो यहाँ एक एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर डन। जैसे हिली एरिया में जो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, जहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं, मैदानी एरिया में वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ही एग्रीकल्चर का स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी इस्तेमाल किया जाता था, झूम कल्टीवेशन का प्रयोग होता है, तो ये सारे प्रकार के कल्टीवेशन के तरीके हैं। तो अगर हम इसके बारे में किसी विषय के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, तो हमें वो लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर रिमोट पे जाना चाहिए, ना कि एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को हम बताएं कि जो प्लेन रीजन है उस एरिया है उसमें किस तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को भी हमें ध्यान में रख के अपनी पेडागोजी का चयन करना है और ई कंटेंट का चयन करना है। फिर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना है, टेक्निकल जो फीचर्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि वो टेक्निकल फीचर्स क्या है या फाइल फॉर्मेट क्या है। कई बार एक प्रकार का जो फाइल फॉर्मेट है किसी दूसरे डिवाइस या इंटरऑपरेबल नहीं है, तो वो हमें कहीं ओपन होने में उससे मदद होती है, जैसे दिक्कत होती है। जिस तरीके से मान लीजिए देवनागरी में कोई ई टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है और हम उसको अगर वर्ड फाइल ओपन करते हैं तो कंटेंट डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उसके लिए पीडीएफ फॉर्मेट की आवश्यकता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी हमें ध्यान में रखने हैं कि वो कॉस्ट उसका क्या है, डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा, सपोर्ट सर्विसेज क्या है, उसके बारे में टीचर्स ट्रेंड हैं या नहीं है, तो ये सारी चीजों को हमें
ध्यान रखना होता है फॉर द इवैल्यूएशन. नेक्स्ट स्लाइड. अगेन हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं. ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल ऑलरेडी हमारे जो जागरूक पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसके बारे में स्लाइड आने से पहले ही उसके बारे में वो चर्चा कर चुके हैं, चैट में लिख चुके हैं इवैल्यूएशन टूल्स के बारे में. तो जो हमने क्वालिटी पैरामीटर्स आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए वी नीड टू हैव ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल ताकि हम ई कंटेंट इवैल्यूएट कर सके. दूसरी एक और चीज मैं यहाँ अनाउंस करना चाहती हूँ कि हमारा भी एक मैकेनिज्म है ई कंटेंट इवैल्यूएशन का, जो वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है सीआईटी में. जो भी ई कंटेंट बनता है वो प्रीव्यू होता है पहले तो एवरी फ्राइडे, या बीच बीच में भी हमारी प्रीव्यू मीटिंग्स होती रहती हैं. प्रीव्यू के बाद जो भी सुझाव आते हैं सजेशंस के हिसाब से उनको मॉडिफाई करके तभी उनको अप्रूव्ड माना जाता है. लेकिन अगर हम किसी डिजिटल रिपोजिटरी से डिसेमिनेट कर रहे हैं उसके पहले भी उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कंटेंट हम इवैल्यूएट कराते हैं. जैसे दीक्षा पे अगर हमें कोई कंटेंट हाउस करना है तो इट विल अंडरगो अ रिग्रस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट. और ये जो एसआरजी है ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप हमारे इवैल्यूएटर्स की लिस्ट में आ जाएंगे क्योंकि आपने ई कंटेंट से संबंधित जितने भी नुएंसेस हैं, जो बारीकियां हैं, इस कार्यशाला के दौरान हमने कोशिश की है कि आपको बता दिया जाए. और यहाँ हम इवैल्यूएशन टूल के बारे में भी आपसे चर्चा कर रहे हैं. तो इसके बाद आप सब हमारे ई कंटेंट इवैल्यूएटर्स बन जाएंगे और आपको भी हम उन कार्यशालाओं में शामिल करेंगे जिसमें ई कंटेंट इवैल्यूएशन होता है. ठीक है. सो दैट इज द अनाउंसमेंट विच आई वांटेड टू मेक. आप सब अब ई कंटेंट इवैल्यूएटर्स की लिस्ट में आ जाएंगे. डॉक्टर मोनिका, इस कार्यशाला के बाद सबके नाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस कार्यशाला में हमारे ई कंटेंट इवैल्यूएटर्स की लिस्ट में एनलिस्ट करके हम उसको वेब पे अपने वेबसाइट पे डाल देंगे. जी मैम. अब देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो हमारे पैरामीटर्स प्लस ई कंटेंट इवैल्यूएशन थोड़ा सा डिटेल में टूल्स. हाँ, लेट अस ओपन द फर्स्ट वन. तो ये टूल निर्माण करने के हिसाब से कुछ सिंपल हमने पैरामीटर्स का इसमें प्रयोग किया है फॉर ई कंटेंट इवैल्यूएशन. आपने देख सकते हैं इसमें चार कॉलम्स हैं. पहले में तो सीरियल नंबर ही है, दूसरे कॉलम में पैरामीटर्स हैं और तीसरे कॉलम में रिस्पांस है उस पैरामीटर के बारे में जो इवैल्यूएटर होगा इवैल्यूएटर का रिस्पांस. इसके बाद रिमार्क्स, हम अगर कोई लिखना चाहते हैं तो वो रिमार्क्स. और अगर हम रिमार्क्स में पुअर, वेरी पुअर देते हैं तो उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन देना होगा. वो रिमार्क्स में हमें देने की जरूरत है. अगर किसी कंटेंट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू गिव जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑफ रिजेक्शन इन द रिमार्क कॉलम. तो सबसे पहला पैरामीटर इसमें है फैक्चुअल एक्यूरेसी, कि कंटेंट फैक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए. इसके मैंने काफी एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिए हैं. लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट, अगर कोई कंटेंट प्रोप्राइटरी है तो उसका लीगल यूज होना चाहिए. एज पर रूल्स हमें उसका यूज करना चाहिए, यानी कि अनुमति लेनी चाहिए. जैसे 30 सेकेंड की क्लिपिंग अगर हम कहीं से भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 30 सेकेंड या 10 सेकेंड है, आई विल कंफर्म एंड देन लेट यू नो, उसके लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन उससे ज्यादा अगर हम कोई बड़ा क्लिप लेते हैं या कंटेंट लेते हैं देन वी हैव टू टेक परमिशन फॉर इट्स यूजेस. फिर कंटेंट पीस जो है फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिच होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है. हाउ मेनी मार्क्स टू बी एलोकेटेड, समबडी हैज फ्रांसिस्को हैज आस्क्ड.
तो यहाँ आप देख रहे होंगे रिस्पॉन्स में येस नो है, अभी इसमें हम कोई मार्क नहीं दे रहे हैं। पहले चार क्वेश्चंस में, पहले चार पैरामीटर्स के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है येस नो में, फैक्चुअली एक्यूरेट है या नहीं हमें येस नो लिखना है, लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कॉन्टेंट करा है या नहीं येस नो वी हैव टू राइट, कॉन्टेंट फ्री पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस वी हैव टू राइट येस नो, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ई कॉन्टेंट वो हमें देखना है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का इसमें वायोलेशन तो नहीं हो रहा है, तो येस नो लिखना है, अगर नहीं हो रहा है तो नो, हो रहा है तो हमें येस लिखना है। और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगी अगर पहले चार पैरामीटर्स में से एक में भी नो आ जाता है तो इसका मतलब हमें वो कंटेंट रिजेक्ट करना है, आगे के पैरामीटर्स हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं है तो वो रिजेक्ट होगा, लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट नहीं यूज किया है हमें तो दैट विल बी रिजेक्टेड, कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस अगर उसमें टेक्निकल ग्लिचेस हैं तो दैट विल बी रिजेक्टेड, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का वायलेशन है तो दैट कंटेंट आल्सो विल बी रिजेक्टेड, किसी में भी अगर नो आता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद रेटिंग है, आफ्टर दैट अदर पैरामीटर्स नीड टू बी रेटेड 1 से 5 के रेटिंग स्केल में एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप 5 को हाईएस्ट मान रहे हैं या 1 को हाईएस्ट मान रहे हैं, इट इज अप टू द स्केल यू वॉन्ट टू यूज। तो फिफ्थ में है कॉरेस्पॉन्डेंस विद टॉपिक सब टॉपिक एंड लर्निंग आउटकम्स कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट एरिया, तो उससे करस्पॉन्ड करना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जो भी टॉपिक है सब टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स है जो टेक्स्ट बुक और सब्जेक्ट एरिया में, तो उसमें हम कैसे रेट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अर्थ को पढ़ाने के लिए हम एग्रीकल्चर का कंटेंट दिखा रहे हैं, ये तो नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट जो होगा उस कॉन्सेप्ट से कितना करस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए हमें रेट करना है। इसके बाद है पेडागोजिकली एंड एंड्रागोजिकली स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, पेडागोजी 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो पढ़ने पढ़ाने की साइंस का हम प्रयोग करते हैं उसको पेडागोजी बोलते हैं, और जो अडल्ट लर्निंग के लिए हम मेथड प्रयोग करते हैं जो साइंस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर्स इज एंड्रागोजी। तो अगर अडल्ट लर्नर्स के लिए कंटेंट है तो इट शुड बी एंड्रागोजिकली स्ट्रक्चर्ड, और अगर यंग लर्नर्स के लिए है तो इट शुड बी पेडागोजिकली स्ट्रक्चर्ड। तो पेडागोजिक और एंड्रागोजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या रेट करते हैं वो 1 to 5 के रेटिंग स्केल में हमें रेट करना है। मान लीजिए हम कोई कॉन्सेप्ट जो क्लास 3 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अडल्ट लर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो हम वो बच्चों वाला कंटेंट अडल्ट्स को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए हमें वो जिस तरह के एग्जाम्पल्स से रिलेट करें वो एग्जाम्पल्स देने हैं, बच्चे जिस तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करेंगे वो एग्जाम्पल्स देने, और इसी हिसाब से वी हैव टू रेट दी ई कंटेंट कीपिंग इन व्यू दी पेडागोजी एंड एंड्रागोजी फॉर दी सेम कॉन्सेप्ट्स विद लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। जो भाषा है वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, इज इट कॉम्प्रिहेंडेबल और नॉट, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, जो हमने स्क्रिप्ट टू स्क्रीन वाले में भी किया था, बहुत ज्यादा ऐसी जटिल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए उसमें कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पाए और कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। तो लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के हिसाब से हाउ वी रेट ई कॉन्टेंट। इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट फॉर एज क्लास लेवल। तो फॉर्मेट क्या है कंटेंट प्रेजेंटेशन का, क्लास 1 के बच्चों के लिए हमने कोई पैनल डिस्कशन तो नहीं रख दिया है, वो हमें देखना है, तो वो फॉर्मेट की बात है कि ये पैनल डिस्कशन है, ऑडियो है वीडियो है,
अगर हम लिसनिंग स्किल के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए ऑडियो बहुत अप्रोप्रिएट रिसोर्स है फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस. सो देन वी हैव टू रेट द कंटेंट वेदर द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट इज अप्रोप्रिएट फॉर द एज और क्लास लेवल के हिसाब से. एंड्रागोजिक स्ट्रक्चर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एंड्रागोजिक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं. जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, आई विल रिपीट द सेम एग्जाम्पल. एनईपी 2020 के हिसाब से अभी एक नया इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो अडल्ट लर्निंग भी है, अडल्ट एजुकेशन भी है. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो बच्चे प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में निपुण भारत के तहत, उनके लिए भी एक लर्निंग का एरिया है और अडल्ट लर्नर्स के लिए भी लर्निंग का एरिया है. तो जो हमने अली वाला आपको वीडियो दिखाया था, एक जो चित्र देखकर चर्चा करें, वो अगर हम बच्चों को दिखा रहे हैं, क्लास पहली दूसरी तीसरी के बच्चों को दिखा रहे हैं, तो उन्हें तो उसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि उसके कैरेक्टर्स उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं. लेकिन अगर हम वही कॉन्सेप्ट, वही ई कॉन्टेंट अडल्ट लर्नर्स को दिखा रहे हैं तो शायद वो उससे उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे. उनके लिए जो हम चर्चा के विषय रखेंगे, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो टॉपिक हैं, वैसे चित्र लाकर उन पर हम चर्चा करेंगे. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में अडल्ट्स के लिए जैसे एक कंपोनेंट डिजिटल लिटरेसी भी है, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं वो डिजिटली लिटरेट ऑलरेडी हैं बिकॉज दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजीज, और प्री स्कूल में उन्हें टेक्नोलॉजी का उस तरीके से एक्सपोजर की आवश्यकता नहीं है. तो जो एंड्रागोजिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से डिजिटल लिटरेसी के जो कंपोनेंट है अडल्ट लर्नर को, मान लीजिए डिजिटल लिटरेसी क्लास 8वीं के बच्चे के लिए है, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो अलग होंगे. जो अडल्ट्स के लिए, जैसे हम उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने पेमेंट्स करने चाहिए, टिकट बुक करने चाहिए, तो वो उनके लिए डिजिटल लिटरेसी होगा. तो दैट इज एज पर द एंड्रागोजी दैट वी आर अडॉप्टिंग, पढ़ने पढ़ाने के जो अडल्ट्स के तरीके हैं उनको. और ई कॉन्टेंट भी, उसमें कैरेक्टर्स अडल्ट होंगे, उनकी जो समस्याएं जिनके बारे में वो चर्चा कर रहे होंगे वो अडल्ट होंगे, और उनके लिए हम किसी एक चीज को, जैसे पैनल डिस्कशन हम उनके लिए रख सकते हैं, वो उसके साथ रिलेट कर पाएंगे. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस. इसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी की हमने बात कर ली. फॉर्मेट ऑफ ई कॉन्टेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पेस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का पेस जो है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेंस नहीं होना चाहिए कि हम एक 15 मिनट के प्रोग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर दी है, तो प्रॉपरली पेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसकी जो गति है, गति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. तो पेस भी अप्रोप्रिएट टू द एज ग्रुप होना चाहिए. स्लो पेस्ड प्रोग्राम जहां अप्रोप्रिएट है तो उस एज ग्रुप के हिसाब से हमें उनको देखना चाहिए, और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी उसकी पेसिंग करनी चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कितना इजी या डिफिकल्ट है. अगर हम कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो पेस थोड़ी हम फास्ट रख सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट रख रहे हैं अगर हम, तो उसकी पेसिंग हमें स्लो रखनी पड़ेगी. फिर हमें ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्लास के हिसाब से है या नहीं है. फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए इसीलिए बाइट साइज वीडियोज का कॉन्सेप्ट है कि बाइट साइज वीडियोज हम कहते हैं 30 सेकेंड से लेके 3-4 मिनट तक के जो वीडियोज होते हैं वो. लेकिन अगर एज ग्रुप बड़ा है तो उसके लिए हम थोड़े बड़े वीडियोज का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां कॉन्टेंट भी
डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से अधिक होता है, तो वो ड्यूरेशन भी हमें देखना है अप्रोप्रिएट है या नहीं, और उसके लिए हम कैसे रेट करते हैं। नोट में आप यहाँ देख रहे होंगे पैरामीटर 1-4, अगर इसका रिस्पॉन्स हमें येस और नो में ही लेना है, और अगर येस आ रहा है नो आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो पैरामीटर 5-10 है, ये हमें 1-5 के बीच में इसकी रेटिंग करनी है। अब ये रेटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने 1 को एक्सलेंट माना है, 2 को वेरी गुड, 3 को गुड, 4 को पुअर और 5 को वेरी पुअर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसी में जो दूसरा लिंक था, वैसे मैंने पैरामीटर एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अगर आप इन्हीं लिंक के माध्यम से या वेबसाइट पे हमारी जाएंगे cit.nic.in, उसमें रिसोर्सेज में आपको ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल्स भी मिल जाएंगे। तो सेकंड जो लिंक है, सेकंड लिंक में जो मैंने आपको इलैबोरेट करके अभी बताया ही है, ये सारे पैरामीटर्स का इलैबोरेशन है। एक बार क्लिक करके ओपन कर दें। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा तो पैरामीटर 1 के लिए यस हम लिखेंगे अगर फैक्चुअली एक्यूरेट है, नो लिखेंगे अगर फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। इसी तरीके से बाकी 4 पैरामीटर के बारे में भी, यस कब हम लिखेंगे, नो कब लिखेंगे, वो इलैबोरेशन तक इनमें दिया हुआ है। तो ये टूल रेडिली अवेलेबल है। जब आप भी हमारे कंटेंट इवैल्यूएटर्स की टीम में आ जाएंगे और आपको इवैल्यूएशन की रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी, तो यू विल बी यूजिंग दीज टूल्स ओनली। इसमें आपको उनका जो पैरामीटर्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और वो टूल को जो पहले दिखाया था उसका आप प्रयोग करेंगे। फोर्थ पे आ जाए, फिफ्थ पे। फिर करस्पॉन्डेंस विद टॉपिक सब टॉपिक कवर्ड इन दी टेक्स्ट बुक्स, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट पीस विद द टॉपिक सब टॉपिक मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। पेडागॉजिक स्ट्रक्चर, थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, इसके बारे में भी आपको डिटेलिंग दी हुई है इसमें। नेक्स्ट, उसी में सिक्स्थ, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी में व्हाट आर वी कंसीडरिंग। फिर फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन, पेस ऑफ द प्रोग्राम एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट डू वी मीन बाय दीज 10 पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, इसको अगर हम ओपन करें तो ये गाइडलाइंस हैं फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट, और ये गाइडलाइंस भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सीआईटी की वेबसाइट है, और ये ई कंटेंट डेवलपमेंट गाइडलाइंस है। 2 गाइडलाइंस हैं यहाँ पर, एक है गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। तो ये 2 तरह की, कोई भी एक ओपन करके एक बार स्क्रॉल करके दिखा दें। दीज गाइडलाइंस आर गुड रिसोर्सेज इफ यू डिसाइड टू डेवलप कंटेंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट पैरामीटर्स फॉर द इवैल्यूएशन, ऑल्सो डिटेलिंग ऑफ द इवैल्यूएशन। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट यू कैन गो थ्रू, ये रीडिंग्स है जो आपको करना चाहिए। पूरा स्क्रॉल कर दो इसी को।
ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट उस स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। तो ये एक मॉडल है ई कंटेंट इवैल्यूएशन का, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रोसेस है कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी एंड कंटेंट इवैल्यूएशन के लिए भी। तो हमें ये साइकिल इसी तरह से चलेगा, पहले हमें एनालिसिस करना है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट के बाद से भी हमें इंप्लीमेंटेशन से एक एनालिसिस के इंसाइट मिलते हैं, तब भी हमें पता चलता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कि किसी कंटेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई है, और उसको फिर हम रिक्रिएट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आल्सो। थैंक यू वेरी मच। सो दैट्स ऑल विद माय प्रेजेंटेशन। सो लेट मी सी इन द चैट्स इफ I have any more questions which are unaddressed. WhatsApp पे हम भेज देंगे ये दोनों, डॉक्टर मोनिका WhatsApp ग्रुप में भेज दीजिएगा दोनों टूल्स। सब मिलेगा आप लोगों को। प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं मे वी गेट दिस फॉरवर्ड, वी विल गेट, यू कैन गेट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन। मैंने आपको वेबसाइट दिखाई दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडेबल है। जी मैम, मैम आपका प्रेजेंटेशन तो हम आज ही वेबसाइट पे डलवा देंगे, वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया है सबके साथ। ये जो मुझे अपनी बात कहनी थी, इट्स ओवर। इफ एनी मोर क्वेश्चंस आर देयर, वी कैन हैव क्वेश्चंस, ऑल्दो आई केप्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन इन बिटवीन माय प्रेजेंटेशन। Thank you, ma'am. If you have any questions, further questions, you can write in the chat box or also you can unmute yourself. Thank you, Deepak Kumar ji. आप raise hands. अगर आपके सारे doubts clear हो गए, it's the very purpose of having this workshop. We can also now share the attendance link so that everybody can mark the attendance for this session. Okay, ma'am. Anybody has any question, please raise your hand or write Dr. in the Monica, chat. Dr. Monica, agar questions nahi hai, toh we can give them a tea break. Ma'am, we will be giving them maybe in another 10 minutes. So if you want to resume with some other activity, we can take their other queries also, technical queries if they have any. मोनिका मैडम जी, आपका वो लिंक नहीं मिल रहा अटेंडेंस का। अटेंडेंस लिंक अभी पोस्ट हो रहा है सर, अभी पोस्ट नहीं किया। ओके ओके, सेशन के बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है इसीलिए अभी नहीं किया है। जी पहले दिन से वही बोल रहे थे हम। नहीं नहीं, वो बाद में ही होता है। डॉक्टर मोनिका, आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस नाउ रिमेनिंग, वी कैन प्रोसीड फर्दर। राइट मैम, थैंक यू मैम एवरीवन for being wonderful audience. This session was more of theoretical than any demo, but the nature of topic was such that more of explanation was required for this session. Neeta ji, aap kuch bolna cha rahe hain to please boliye. Religious yes, feelings kisi ne likha hai, ye question to bahut important hai. Kahan hai religious feelings come under what parameter? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं हमारे उसके अगेंस्ट तो नहीं है, बिकॉज इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ किसी भी धर्म संप्रदाय सोशल ग्रुप जेंडर के अगेंस्ट अगर कोई डेरोगेटरी बात का डिपिक्शन है तो वो उस पैरामीटर का वायलेशन है और वो कंटेंट को हम अप्रूव नहीं कर सकते। मैम, मैं नीता बोल रही हूँ। मैम, कौन सी जो पहले चार पैरामीटर के अंदर ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरी वैल्यूज वाला जो पैरामीटर, शायद थर्ड था ये उसमें ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल में। जी नीता जी बोलिए।
मैम हमारा जो खुद का कंटेंट हम क्रिएट करते हैं तभी हम ये खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं ना, आप जिन्हें पॉइंट दिए उस वे खुद के लिए भी यूज कर सकते ना। मैम नीता जी का क्वेश्चन है कि उन्होंने अगर खुद कंटेंट क्रिएट किया है तो क्या वो खुद भी इन्हीं पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट कर सकते हैं? वो पैरामीटर्स की कॉपी भी भेजिए। जी जी सर जी राइट। अनीता जी आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। मोनिका आपकी आवाज तो मुझे सुन रही है। जी मैम, वो नीता मैम का एक क्वेश्चन था। अच्छा, पेस ऑफ प्रोग्राम। नहीं मैम, वो ये पूछ रही थी कि जब हमने खुद ई कंटेंट बनाया है तो क्या हम भी उसे इसी पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट कर सकते हैं अपना खुद का कंटेंट? जी नहीं, जो ई कंटेंट डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब भी हमने कोई थीम का चयन किया है तो हमें देखना होगा कि थीम के बाद फिर हम उसको क्या कंटेंट फॉर्मेट हम क्या रखेंगे, ये हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट अप्रोप्रिएट है, तो ये भी एक एनालिसिस का पार्ट है। जो रेडिली अवेलेबल कंटेंट होते हैं उनको इन पैरामीटर्स के हिसाब से इवेल्युएट करना पड़ेगा, और ये पैरामीटर्स हमें कंटेंट निर्माण करते समय भी करना पड़ेगा। जब भी हम मीडिया का सिलेक्शन कर रहे हैं, फॉर्मेट का हम क्या सिलेक्शन करेंगे, हम किस तरीके के डायलॉग्स की उसमें बात करेंगे, कैसा इमेज या अन्य जो मीडिया है उसका प्रयोग करेंगे, तो ये सारी बातें, इवैल्यूएशन तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्माण के दौरान भी चलती है और निर्माण के बाद भी चलती है। जब हम उसकी फील्ड टेस्टिंग करते हैं तो हमारे ऑडियंस उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तब हमें सही पता होता है कि हमने तो पूरा एनालिसिस इवैल्यूएशन करके कंटेंट बनाया, बट क्या वो जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं उन्होंने उसको उस तरीके से एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वो उन्हें लर्निंग की तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। प्रोग्राम किसी ने लिखा है, कुडंट अंडरस्टैंड पेस ऑफ द प्रोग्राम। पेस से मतलब है प्रोग्राम की गति, यानी कि 10 पेज है टेक्स्ट बुक में और वो 10 पेज को एक वीडियो लेक्चर में मैं रीड कर दूं जल्दी जल्दी और ये हो जाए कि दिस इज द वीडियो लेक्चर दैट आई हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, और आधे घंटे में भी मैं वो 10 पेज पढ़ सकती हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, उस पेज उन पेजेस को हम 15 मिनट में भी पढ़ सकते हैं और हम आधे घंटे में भी पढ़ सकते हैं। 15-15 मिनट के दो प्रोग्राम्स भी हम उनसे बना सकते हैं, एनरिच करते हुए और तरह के मीडिया से। तो पेज से हमारा मतलब यही है कि उसकी गति प्रोग्राम की कैसी है। बहुत डेंस कंटेंट तो उसमें हमने नहीं डाल रखा है कि जो वीडियो देखने के बाद या कंटेंट देखने के बाद समझ में कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत हो बच्चों को या टारगेट ऑडियंस को, जो भी टारगेट ऑडियंस है। तो पेसिंग से ये मतलब है हमारा। जैसे मूवीज भी आप देखते हैं ना, हम कहते हैं बहुत स्लो मूवी है, तो वो स्लो पेस्ड मूवीज भी होती हैं, फास्ट पेस्ड मूवीज भी होती हैं, कई बार टू फास्ट भी जो होती हैं वो भी ऑडियंस को हर तरह के नहीं पसंद आती हैं, स्लो पेस्ड भी नहीं पसंद आती हैं। तो जब हम एजुकेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हमें पेसिंग एज के हिसाब से रखना चाहिए और कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो उसको हमें ज्यादा से ज्यादा मीडिया से उसको एनरिच करना है और पेस स्लो रखना है। थैंक यू मैम। गरिमा मैम आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। जी मैम, मैम एम आई ऑडिबल? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए कंटेंट डेवलप करते समय मैंने कोई ऐसा मटेरियल ले लिया है जो सीसी के अंदर नहीं आता है और अब वो बन चुका है और रिलीज भी हो चुका है, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है या क्या उसके लिए रेमेडी हो सकती है?
उसको एडिट करके हमें निकालना पड़ेगा अगर हमने प्रोप्राइटरी कुछ उसमें यूज किया है तो एडिट करना पड़ेगा, वापस एडिटिंग टेबल पे जाएगा, वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और सिमिलर कंटेंट से जो कि कॉपीराइट फ्री हो, और ऑफलोड करना पड़ेगा अगर अपलोड कर दिया है तो. ओके थैंक यू मैम. मैम वन क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ प्लीज टेल मी. इफ द कंटेंट इज रेडी एंड मटेरियल हैज बीन यूज्ड but maybe in the citation we have not mentioned about the link or whatever. So is it possible to find out the licensing on that material? I couldn't get your question. If we have created a content, yes, and we've used material from the net, but while preparing the content, the proper citations were not mentioned. So, you know, we've not mentioned the link of from where the images have come in or whatever. And so is the same answer to your question, Kabi. Again, we have to modify the content and bring it on the editing table and put the citation. No, ma'am. I want to know whether if from the image, is it possible to find out whether the image is coming from where the image is coming? अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है. जैसे आपकी इमेज उसको लेके हम गूगल पे भी हमें पता चल जाता है कि ये कॉपीराइटेड है या नहीं. कोई वहां पे पेस्ट करके इमेज को उसका कॉपीराइट देखना चाहे तो पता चल जाता है कॉपीराइट. और कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कई लोगों की रिपोजिटरीज हैं तो वो हायर करके रखते हैं लोगों को, एक एजेंसीज को, जो देखें कि उनका मटेरियल कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है. और तुरंत जैसे ही वो मटेरियल वेब पे रिलीज होता है वो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और उनको पता चल जाता है कि उनका कंटेंट किसने यूज किया है. और इसके बारे में एक बहुत फनी एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी. एक बार लाइव पे मैंने एक टेलीकास्ट था और उसमें आई यूज्ड सम कंटेंट व्हिच वर डेवलप्ड बाय सीआईटी, और यूट्यूब से भी वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था और यूट्यूब पे बाद में अपलोड हो जाता है जो भी लाइव होता है लाइव स्ट्रीमिंग से. थोड़ी देर बाद वो वीडियो ब्लॉक हो गया कि इसमें कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, ब्लॉक कर दिया यूट्यूब ने. तो पता चला कि एक संस्था है, फिर पता लगा है कि भाई क्यों ये हुआ, ये तो सीआईटी का कंटेंट ही यूज किया था और स्पेशली मैंने जो खुद का बनाया कंटेंट है वही यूज किया था इसमें. सो इट वाज रियली अ सेटबैक कि ऐसे कैसे कॉपीराइट का वायलेशन इसमें हुआ. फिर पता चला कि एक संस्था जिन्होंने ऐसे एजेंसी को हायर किया जो बताते हैं कि उनका कॉन्टेंट किसी ने कॉपीराइट कंटेंट किसी ने यूज तो नहीं कर दिया, उनके हायरिंग एजेंसी ने के वजह से वो वीडियो ब्लॉक हुआ था. तो जाके देखा तो पता चला उन्होंने हमारा कंटेंट यूज किया हुआ था और वो कंटेंट जब दोबारा मेरे वीडियो में प्ले हुआ तो उनके पास रिपोर्ट गई कि उनका कंटेंट यूज कर दिया. तो जो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कई बार ऐसा भी हो जाता है. तो फिर जब उनको हमने कॉन्टेक्ट किया कि भाई आपने हमारा वीडियो ब्लॉक करवा दिया ऑल्दो यू हैव स्टोलन आवर कंटेंट, तो वो घबरा गए. उसके बाद तुरंत उन्होंने अपना वो कंटेंट हटाया और फिर हमारा वीडियो अनब्लॉक हुआ. सो इस तरीके से पता चल जाता है. If we are evaluating this content, दो लोग बोल रहे हैं एक साथ, एक वन बाय वन. मैम आप एक बार बोलिए पहले जो मैम बोल रहे थे, नाम नहीं पता मुझे अभी. Okay, I was saying that since it was in continuation to the same question that I had asked earlier. Now, if we become evaluators for this content, would we be in a position to handle such kind of an issue? हाँ, आपको बताया जाएगा कि आप copyright वाले जो issues हैं image के उसको कैसे करें, वो demo दिया जाएगा आपको. मैम मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने उनको कैसे साबित किया कि हाँ ये ओरिजिनली आपका कंटेंट था, या हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं कि ये कंटेंट ओरिजिनली हमारा है? क्योंकि वो सीआईटी एनसीईआरटी प्रेजेंटेशन एंड में लिखा होता है सब पे, जो उसके डेवलपमेंट टीम है क्रेडिट्स में उनके नाम होते हैं.
और वो हमारी तो दीक्षा रिपोजिटरी पे भी वो कंटेंट था बट हम लोग तो मैम उतना हमारा कंटेंट उतना ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे कि हाँ ये ओरिजिनली मेरा है, हमें क्या करना होगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। देखिए अगर आपने उसका कोई कॉपीराइट, हमारा जो कंटेंट था उस पे कोई कॉपीराइट नहीं है, सीसी बाई एसए से रिलीज्ड है वो कंटेंट, ठीक है, उन्होंने यूज कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कंटेंट, क्योंकि हम वो परमिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉपीराइट के अंदर उसको रिलीज कर दिया, दैट वॉज वायलेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपना कंटेंट सीसी बाई एसए से ही रिलीज करेंगे बिकॉज यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो अगर दीक्षा जैसी रिपोजिटरी पे, आपकी स्टेट रिपोजिटरी पे भी जाएगा तो इट्स अ मैंडेट टू रिलीज देम अंडर सीसी बाई एसए। तो अगर आपका कंटेंट यूज करके कोई लाभ उठा रहा है तो देर इज नथिंग प्रॉब्लमैटिक इन दैट। प्रॉब्लम जो मैंने आपको एग्जाम्पल सेट किया वहां आई जब हमारे कंटेंट की वजह से हमारा ही वीडियो ब्लॉक हो गया, ठीक है। आप दीक्षा पे या अपने स्टेट पे जो दीक्षा का टैलेंट है उसके लिए ही कंटेंट बनाएंगे तो वो तो सीसी बाई एसए से ही हम रिलीज कर रहे हैं। जी मैम समझ गया। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो, चाय नीचे, आपका कॉपीराइट पे एक सेशन मेरे ख्याल से हो चुका है। जी मैम कॉपीराइट पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं। अब मैम ये पेनल्टी जो है जैसे ही आपका साइबर लॉ हमारा प्रॉपरली एक्टिव होता है तो आप साइबर लॉ पे उसकी पेनल्टीज पढ़ सकती हैं। इंडिविजुअली एक एक पेनल्टी तो डिस्कस करना यहाँ पे डिफिकल्ट होगा मेरे ख्याल से, लेकिन होते हैं पेनल्टी। जी मैम आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड गाइडिंग अस फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट एंड वेरियस अदर एरियाज आल्सो वेयर वी आर स्ट्रगलिंग टू नो मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन मैम एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।